कर्नाटक स्टेट में गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के तमाम गेस्ट लेक्चरर्स पिछले 5 दिनों से परमिट जॉब की मांग कर स्ट्राइक कर रहे हैं। कर्नाटका में कुल 430 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहां 14,000 से ज्यादा लेक्चरर्स मौजूद हैं। पिछले 15-20 सालों से ये टीचर्स गेस्ट लेक्चरर्स की हैसियत से गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, पर अब तक इन्हें परमिट जॉब नहीं मिला है। गवर्नमेंट की जानिब से इक्वल पे फॉर इक्वल सर्विस का ऐलान भी हुआ है, पर इसका बेनिफिट गेस्ट लेक्चरर्स को नहीं मिला। कर्नाटक के दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरह गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी गेस्ट लेक्चरर्स कॉलेज क्लासेस को बायकॉट कर पिछले 5 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हैं। इन टीचर्स की मांग है, जब तक परमिट जॉब का ऑर्डर राइटिंग में नहीं दिया जाएगा, ये स्ट्राइक बंद नहीं होगी। इन टीचर्स ने मीडिया से बात कर कहा, इस बार गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में गेस्ट लेक्चरर्स को परमिट जॉब देने का वादा भी किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इन तमाम टीचर्स ने कहा, जब तक परमिट जॉब का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, ये गेस्ट लेक्चरर्स का स्ट्राइक इसी तरह जारी रहेगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details. We want justice. We want justice. Ellivarige horata. Ellivarige horata. Yetakkagi horata. Nayakkagi horata. Atithi upanyasakara horatakke. Sevagali. Agle beku, agle beku. Haya mati agle beku. First grade college ke guest faculties. आज पांचवा दिन है, हम इनडेफिनिट स्ट्राइक में बैठे हैं। इतने सालों से मीन्स 15 to 20 ईयर्स 15-20 सालों से हम गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में सर्विस दे रहे हैं, लेकिन एक भी गवर्नमेंट हमको टोटली अब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं किए। इक्वल सर्विस, इक्वल पे फॉर इक्वल सर्विस बोल के गवर्नमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर किए, लेकिन हम लोगों को इसका बेनिफिट नहीं हुआ इतने सालों से। अभी हम स्ट्राइक में बैठे हैं क्योंकि हमको गवर्नमेंट मैनिफेस्टो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमको कायम आती मतलब परमानेंट करने वाले हैं। तो हमको क्लास बाइकआउट करके हम आज पांचवें दिन बैठे हैं, क्यों बोले तो हमको कायम आती चाहिए। हमको गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हमको यूज़ एंड थ्रो टिश्यू पेपर जैसा यूज़ कर रहे हैं। जब सर्विस है तब बुलाते हैं, जब वर्कलोड नहीं रहता तब हम लोगों को नहीं बुलाते। मतलब हमको टोटली अनसिक्योर फील कर रहे हैं। हम इतने सारे भविष्य, लाखों स्टूडेंट्स को हम भविष्य बनाने वाले लेक्चरर्स हैं, लेकिन हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। टोटली हमारे गेस्ट फैकल्टीज़ का माइंड मेंटली वी आर वीक। हम लोग इतने स्टूडेंट्स को भविष्य निर्माण करने वाले लेक्चरर्स हैं, लेकिन हमारा ही भविष्य अतंत्र में है। तो हम लेसन्स नहीं ले सकते, हम क्लास में टोटली हम लोग क्लास नहीं ले रहे हम। मतलब हमारा क्या है डिमांड अभी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मैनिफेस्टो हमको परमानेंट चाहिए। तो जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता, हम लोग क्लास बाइकआउट कर रहे हैं, वापस स्ट्राइक वापस नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ भी बोले, हम ओरली हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। मतलब राइटिंग रिटर्न आदेश हमको ऑर्डर देने तक हम लोग स्ट्राइक वापस नहीं ले रहे हैं। बेलगांव अधिवेशन में हमको फाइनल होना ही है, तब तक हम लोग स्ट्राइक में बैठने वाले हैं, विड्रॉ नहीं करते। नागवेणी हिरेमेट फ्रॉम गुलबर्गा ऑटोनोमस कॉलेज। सर हमारे मांगे जो है आज एक ही मांग लेके बैठे हैं हम लोग स्ट्राइक में, आज पांचवा दिन है हमारा। हमारा जो मेन मुद्दा है परमानेंट का है। तो पिछले 15-20 साल से हम काम कर रहे हैं, जैसे हमें गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आ रहा है यहाँ तक सिर्फ हमारा डिमांड्स जो है ना सुनता है, तो सिर्फ हमको आश्वासन देते हैं कि हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी गवर्नमेंट हमारा स्टेप नहीं लिया अब तक परमानेंट करने के लिए। और हम पूछेंगे तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है क्या? पंचायत में करे, आशा कार्यकर्ताओं का करे, JOC में करे, सब जब दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट में क्यों नहीं कर सकते? जो भी कानून बना सकते हैं तो उसको बदल भी सकते हैं। तो कानून बदल के हमें परमानेंट करने में कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होता और रिटर्न में नहीं आता, लिखित रूप में नहीं आता कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हम परमानेंट करते, तब तक कि हमारा ये स्ट्राइक जो है हम कंटिन्यू करेंगे। आने वाले जो अधिवेशन है बेलगाम में जो चलने वाला है, तब तक कुछ न कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। सारे ऑल ओवर कर्नाटक से जो गेस्ट फैकल्टी है वहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, और वो असेंबली चलने नहीं देंगे, हम लोग फुल स्ट्राइक करने वाले हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट में कितने सारे है एग्जाम्पल्स है, और दूसरे स्टेट में भी है, जैसे तमिलनाडु, बंगाल, आंध्र, बिहार, सब में
करे हैं, तो कुछ ना कुछ गेस्ट फैकल्टी के लिए परमानेंट करने के लिए स्टेप उठाए हैं, तेलंगाना है। तो जब बाकी स्टेट कर सकते हैं तो हमारा स्टेट क्यों नहीं कर सकता हमको, तो हमारा क्वेश्चन ये है। इसलिए हम ये मुद्दा लेके आज बैठे हैं। आज पांचवा दिन है हमारा, यह स्ट्राइक कब तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी। ये जो कहे हमारा खाया मत, इसे हमारा खाया मत करना तक हम ये नहीं छोड़ते, बिल्कुल हमारे एक आदेश है। ऑल ओवर कर्नाटक में हमारा जो स्ट्राइक चल रही है, आज के दिन पांचवा दिन है। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक इसमें परमिट करे सो है, ग्राम पंचायती, जेस्कम, हेल्थ, ये सब इसमें करे। लेकिन हम 15-20 साल से जो हमारा जो होराट चल रहा, अभी तक कुछ भी नहीं बने हमारे लिए। हर साल बढ़ते, हर साल को 1,000-2,000 रुपये बढ़ाते, 5,000 बढ़ाते, ऐसे कर रहे लोग, अब तक हमारा खाया मत में ये नहीं करे। अब जो है हमारा परमिट करना बिल्कुल हमारा एक ये है, और परमिट करना तक हम ऐसे हटते नहीं हैं। और जो कुछ भी है, और अधिवेशन का होने से पहले हमको ये अगर करके दे तो हम ये जो हमारा ये होराट है वो वापस लेते। अगर हमारा ये खयाम नहीं करे बोले तो हम अधिवेशन में एक बहुत बड़ा रैली निकालने वाले हम। ऑल ओवर कर्नाटक के जो जितने भी है, हम जो हायर एजुकेशन के जो अतिथि उपन्यासक है, हम प्राध्यापक है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हर और एजुकेशन और मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत दबाव डालने वाले हैं। और अधिवेशन में हम जो लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो हमारा विभाग है, विभाग मटे का जो चल रहा है रैली, कम से कम यहाँ से 2,500 से 3,000 तक यहाँ से हम जाने वाले हैं। कर्नाटक के 430 कॉलेजों में लगभग 14,000 से भी कई ज़्यादा लोग क्या देखे अतिथि गेस्ट लेक्चरर्स काम क्या देखे कर रहे हैं। तो इससे कई बार हम स्ट्राइक क्या देखे कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी डिमांड है, एक ही डिमांड है हमारी, कि हमको परमानेंट बनाया जाए। और इससे भी कई बार क्या देखे पंचायत में और क्या देखे आंगनबाड़ी के टीचर, उनको कई बार परमानेंट बनाया गया है। और दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार ने क्या देखे लगभग 16,000 से भी कई लोगों को क्या देखे ऐसे हमारे जैसे ही कॉलेजों में काम करने वाले प्राध्यापकों को परमानेंट नौकरी पर क्या देखे लिया है। यही डिमांड करते हैं कि हमको भी ये सरकार परमानेंट स्थायी रूप में क्या देखे हमको ले, कि हमारी क्या देखे मांग है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।